हैं? अच्छे हैं। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी सुबह का इंतजार कर। फ्रेंड्स, मैंने आपसे वादा किया था कि हम नेक्स्ट वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से जुड़ी जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, उसको मैं लेकर आऊंगा। और ठीक उस वादा के अनुसार मैं आज जो आपके साथ वीडियो लाया हूं, ये वीडियो डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स यानी पाचन विकार, डाइजेशन से संबंधित जो डिजीज है उसके बारे में। फ्रेंड्स, लेक्चर शुरू करने के पहले मैं पुनः आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। जरा आप सोचिए कि आप बहुत मेहनत करते हैं, अपने माता पिता, गुरुजन और दोस्तों की आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, और जब आप परिश्रम करने के बाद फल मिलता है, कितना अच्छा लगता है। आपके माता पिता जब, या दोस्त, अभिभावक, शिक्षक जब आपकी प्रशंसा करते हैं, कितना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना? बिल्कुल उसी तरह से जब मैं आपके बीच इस वीडियो लेक्चर्स को लेकर आया हूं, तो मुझे भी उम्मीद है कि आपसे वह सम्मान मिले, आपसे वह प्रोत्साहन मिले, और आपके जो प्रोत्साहन का माध्यम है कि आप हमारे जो भरत सर बायोलॉजी चैनल्स है, इस यूट्यूब चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, रेड बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आप का जो जुड़ाव है हमसे, और आप चाहते हैं कि बायोलॉजी जो इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में अधिक से अधिक आनंददायी तरीके से, बिल्कुल रिलैक्स मोड में अगर सीखना है, समझना है, उसका प्रयोग करना है, अपने दैनिक जीवन में अवल करना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप भी मेरा प्रोत्साहन करें। आपके जो पीछे पिछले जो कमेंट्स आए थे, वह मुझे प्रबलित किया, मुझे रिइंफोर्समेंट किया, और मुझे और अधिक ऊर्जा के साथ, अधिक उत्साह के साथ इस वीडियो बनाने में मददगार साबित हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्नेह है यूं ही बना रहे। क्या सीना में दर्द हो गया, पेट में दर्द। फ्रेंड्स, आप तो घबरा गए। फ्रेंड्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जरा सोचिए आपके साथ भी ऐसा होता है। पाचन विकार, पाचन तंत्र, जो हमारे शरीर में जितने भी तंत्र है उसका अगर जननी कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरा शरीर जो है हमारा पाचन तंत्र पे निर्भर है। हम लोग इसको आज देखेंगे। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत मजा भी आएगा। और आपको एक और बात मैं कहता हूं कि कहीं आप ऐसा भी ना समझ लें कि मैं डॉक्टर बन गया हूं। देखिए आगे आगे होता है क्या। लेट्स प्ले। तो हमारे पाचन तंत्र से जो जुड़ी हुई डिजीज है, डिसऑर्डर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, सीने में जलन, अभी देखा था कि मुझे भी सीने में जलन हो गया था, हार्ट बर्न, अपच, नहीं खाएंगे यार, बहुत गड़बड़ सड़बड़ चीज खा लिया था, बर्गर खा लिया था, अपच, इनडाइजेशन, पीलिया, कामला, जोंडिस, पेप्टिक अल्सर, बराबर दर्द आता है, अतिसार, डायरिया, बवासीर, पाइल्स, पित्त की पथरी, स्टोन हो गया है गल ब्लैडर में,
वोमेटिंग, गैस्ट्रिक लगातार गैस बन रहा है, और डायबिटीज, ये सभी जो है बीमारियां। डरना नहीं है यार, ये तो जानना है कि हमारे खान पान में जो है कौन कौन से एहतियात बरतना है, क्या क्या करना है कि हमें इस तरह का डिसऑर्डर्स, और आप तो देश के भविष्य हो, आप अपने परिवार समाज और देश के भविष्य हो, हमारे भी भविष्य हो, तो आपको स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ, तो और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। अगर आप हेल्दी रहोगे बच्चों, तो आपके माइंड हेल्दी होंगे, और आपके माइंड हेल्दी होंगे तो आप क्रिएटिविटी आपकी जो होगा पॉजिटिव होगा, आप सकारात्मक सोच रखेंगे, आप अच्छी सोच आएगी, और आपके विचार हमेशा सकारात्मक होंगे। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लें, पाचन संबंधी जो विकार है इसको इसको आप नोट कर लें, नोट कर लिए, थैंक यू। अब हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके हम बीच में नहीं रुकेंगे, हम जब तक अपने मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे हम दम नहीं लेंगे, क्योंकि जो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं, जो लगातार चलते गए वे निश्चित मंजिल पाते हैं, जो कायर है वो हार गए, नरनाहर बाजी मार गए, इन इन तूफानों से टकराकर हिम्मत वाले उस पार गए, हिम्मत वाले उस पार गए। लेट्स, अब पहली जो बीमारी है सीने में जलन, हार्ट बर्न, जरा इसको हम देखें। ये सिस्टम, ये डायजेस्टिव सिस्टम का फिगर आपके समक्ष है, तो पिछले कक्षाओं में आपने सीखा भी था, पिछले वीडियो में आपने बनाने का प्रयास भी किया था। जरा हम लोग देखें कि सीने में जलन है क्या। आप प्रायः देखते होंगे, कभी कभी आपने भोज खाकर आया है, आपने बर्गर खा लिया है, आपने डोसा खा लिया है, आपने बहुत पकौड़ा खा लिया है, आपने जो चाउमीन खा लिया है, आपने बहुत से जंक फूड खा लिया है, फास्ट फूड खा लिया है। उसके बाद जब आते हैं घर पे, मॉम कहती है बेटा खा लो, मम्मी बहुत सीना में दर्द हो रहा है, मम्मी क्या हुआ बेटा, मम्मी सीने में जलन हो रहा है। बिल्कुल सही, सीने में जलन हो रहा है, इसका मतलब है कि हर्ट बर्न, जो डाइजेस्टिव समस्या से आप गुजर रहे हैं। एसिड भाटा, क्या बोलते हैं, एसिड भाटा, और ये एक लक्षण है। जब हम खाते हैं कुछ भी चीज खाते हैं, स्पेशली जंक फूड, फैटी सब्सटेंसेस, फास्ट फूड, तो खाने के बाद जब कुछ है वो कहाँ जाता है, इस तरह से आप जब खाते हैं तो खाने के बाद ये ओसोफेगस से होते हुए वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल स्टोमक में आता है। कहाँ आता है, स्टोमक में आता है, अमाशय में आता है, ये अमाशय में। और यहाँ जिस तरह से माँ आपकी पहले, बहुत पहले दादी से पूछिएगा कि वह गेहूं को पीसी थी चक्की में ऐसे करके, तो हमारे शरीर में भी क्या है, ये स्टमक जो है अमाशय चक्की है, यहाँ भोजन पीसता है, पचने की प्रक्रिया होती आगे जाता है। लेकिन जब आपने तैलीय जंक फूड ऐसा खाया है कि स्टमक पर एक नीचे से दबाव आता है, और वो दबाव ऊपर की ओर ओसोफेगस की ओर पड़ता है, यानी ये जो भोजन है जो आपने खाया है वो ऊपर आने की कोशिश करती है, ऊपर आने की कोशिश करती है, जिसके बाद सीना भारी होने लगता है और सीने में जलन सी होने लगती है। क्या हो गया, हर्ट बर्न हो गया। यह प्रायः खाना खाने के बाद या रात में होता है। पेट में एसिड फ्लो को कुछ लोग हृदय रोग समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ हर्ट बर्न है। प्रायः लेटने के क्रम में या झुकने में यह दर्द बढ़ जाता है, और
गले के निचले हिस्से में खट्टा ढका रहता है, स्वाद भी खट्टा महसूस होने लगता है। इसका मतलब कि आपने कुछ अटर पटर लटर खा लिया है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, आपके इस चक्की में दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है, इस तरह से चक्की में कंकर पड़ता है, क्राम क्राम उड़ने लगता है। इसी चक्की में कुछ ऐसा खा लिया है जो असहज हो रहे हैं, कोई बात नहीं है। आपकी जानकारी, आपको जानना है कि इसके लिए हम क्या करें। इसके लिए आप थोड़ा टहले, आराम करें और पानी पिए। थोड़ा सा सही दिशा में टहलना भी सही तरीके से है, सोना है उसका तरीका भी सही से है, और कुछ चीजों के जब ऐसी समस्या आए तो खट्टे चीजों से आपको परहेज करना है, टमाटर से परहेज करना है, लहसुन प्याज से परहेज करना है, और जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर पिज्जा को कुछ दिन तक सलाम करना है कि फिर स्वस्थ होंगे तो आपसे मुलाकात होगी। समझ गए बच्चे? बहुत अच्छी बात। तो हम आगे बढ़े ठीक है। अब हम लोग सीने में जलन के बाद अपच अ माने न, अपच माने पचना, जो पच नहीं रहा है, इनडाइजेशन अपच। लेकिन आपकी दादी माँ कहती है कि इसको बदहजमी हो गया है, अपच को बदहजमी भी कहते हैं। ये क्या है, यह भी सामान्य सुनने में आता है आपको। हम जाते हैं अपने दोस्तों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ, या घर में भी कभी कभी ऐसा होता है, मम्मी कहती खाना खा लो, ताकत नहीं मम्मी, पेट भरा हुआ है, बेचैन छटपट छटपट आप करते हैं, वोमिटिंग की तरह टेंडेंसी होती है, लगता है कि वोमिटिंग तय हो जाएगा, सीने में जलन टाइप का है, आप बहुत बेचैन टाइप का है। इसका मतलब आपने जो पहले से खाया है वो ठीक से पचा नहीं है। क्या कारण है अपच का? तो बहुत ज्यादा आपने जब पार्टी में गया तो जरूरत से ज्यादा आपने खा लिया, आपने लगातार टिक्की खाए, गोलगप्पे खा लिए, आप चाट खा लिया ज्यादा से, उसका एक लिमिटेशन है, आपने खा लिया। इसके अलावा खाया भी और भी सोचा कि भाई पार्टी में है, हाँ जल्दी जल्दी भी खाए, कि नहीं कि थोड़ा लेकर चबा चबा के प्रेम से खाए, क्योंकि आपको तो अधिक खाना था, तो आपने बहुत तेजी से भी खाया। खाने क्रम में यह भी ध्यान नहीं दिया कि कौन सारा तेल का भुना हुआ था, वसा युक्त था, तैलीय पदार्थ था, उसी भी खाया। यहाँ तक कि आपके स्वाद के लिए बहुत मसाला का प्रयोग था, वो भी खा लिया। इसके अलावा आपने आइसक्रीम वगैरह भी खा लिया। इसका तो कारण, अब इसे कारण आपको अपच हो गई, भोजन पच नहीं रहा है। अब कहिएगा कि भरत सर ये सब क्या बता रहे हैं आप, ये तो होता है, और दैनिक जीवन में प्राय आप देखते हैं आपके साथ होता है, आपके घर में घर के अन्य सदस्यों के साथ होता है। तो चूंकि थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि आप पे आपका परिवार बहुत विश्वास करता है, और आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आप जो समझ प्राप्त करते हैं, तो परिवार के सदस्य यह उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ हमारे लिए भी उपयोगी हो, परिवार के अन्य सदस्यों के लिए। तो आपका यह भी फर्ज है कि घर में अन्य सदस्यों के बीच भी इसी को साझा करें। तो आप पूरे दिन में एक बार जो बहुत खाते हैं उसको कोशिश करें कि एक बार अधिक भोजन ना करें, थोड़ा थोड़ा खाएं। उसके अलावा मैंने फास्ट फूड की बात किया, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स, इसको भी आप परहेज करें। कुछ एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं, बहुत लोग जो खाते हैं, नहीं, खाना को मुंह खोलकर नहीं खाना चाहिए। चबाने की क्रिया जो है हम मुंह बंद करके करें, इसीलिए खाना के समय
बात भी नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग बातचीत करते नहीं, खाना के साथ समय हमको खाना को हम पूरी चबाएं, जितना अधिक देर तक तो चबा करके खाएं। एक और चीज, जब पार्टी वगैरह में जाते हैं तो रात के बहुत देर से खाना ना खाएं, और खाना खाने के बाद तुरंत जा करके नहीं सोएं, कम से कम 1 घंटा खाने के बाद, और खाने के बाद थोड़ा टहल लेना है ताकि जो खाए हैं उस जगह पे सेट हो जाए। बोरा में सामान रखते हैं तो बोरा लोग हिला डुला करके उसको सेट करते हैं, खाना अभी जब चलेंगे हम लोग तो सेट करता है जगह पे भोजन, समझे। और उसके बाद हमको थोड़ा अगर जरूरत पड़े तो सुसुम पानी, लुक वाटर, बहुत उपयोगी होता है बच्चे। हम अगर सोने के पहले 1 गिलास पीते हैं तो वह अमृत के समान है। तो इस तरह से अपच जो सामान्य हमारे देश की बहुत से लोगों की समस्या है, और वो अगर हम थोड़ी सी एहतियात बरते, अगर हमें जानकारी हो जाए क्या करना है, क्या करें क्या ना करें, और किस तरह की लक्षण आए तो इंडाइजेशन के है, तो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। मजा आ रहा है ना, आप डॉक्टर बन रहे हैं लग रहा है। इस तरह की बात घर में होगा आप तुरंत कह दीजिएगा, मम आप बदहजमी के शिकार हो गए हैं, पापा आपका हर्ट बर्न, सीने में जलन हो रहा है, हर्ट बर्न की समस्या, आप तुरंत कहेंगे पापा ये मत खाइए, ये मत खाइए। चलिए अच्छी सलाह, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। जो बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, सुनने में थोड़ा सा डर लग जाता है, उसका क्या नाम है? जॉन्डिस। क्या नाम है? जॉन्डिस। इसको पीलिया रोग कहा जाता है, नाम ही है पीलिया, और इसको कामला रोग भी कहते हैं। पीलिया, जोंडिस, जोंडिस सुनने का था घबराता है जाता है लोग। आपको भी कई बार ऐसा हुआ है, क्या हुआ है? तो आपको अगर शरीर पीला दिखने लगा, यानी लक्षण से हम शुरुआत करें, अगर आपके शरीर पीला दिखने लगे हैं, आपके आंख पीला दिखने लगे हैं या सफेद दिखने लगे हैं, आपके जो यूरिन है, पेशाब है, मूत्र है, वह पीला या गाढ़ा दिखने लगे हैं, या फिर आपको हल्की सी बुखार आने लगी है, सिर दर्द होने लगा है, थकान महसूस होने लगा है, तो ये सब लक्षण होने पर आपकी माँ भी कहती है कि लड़का के आंख पियर लगैया, कहला ना कहला लड़का की आंख पियर लगाइया। इसका मतलब है कि ये लक्षण जो है वो पीलिया या जोंडिस रोग के हैं। और जब ये कैसे होता है तो हम लोग पाचन तंत्र की ओर चलेंगे। हमारे शरीर का जो ये लीवर है, लीवर ये स्किन के बाद, त्वचा के बाद, चमड़ी के बाद दूसरा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे शरीर में। त्वचा के बाद सबसे बड़ी अगर मानवीय संरचना है, ग्लैंड है, तो वो है लीवर, जिसको आप जानते हैं यकृत, कलेजी, हमर करेजा। ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और अगर पूरे पाचन की हम बात करें, डाइजेशन की बात करें, तो पूरे पाचन की प्रक्रिया का सिरोधार यह लीवर है। इस लीवर के कारण ही पाचन की क्रिया संपन्न होती है। लीवर का के बारे में पता है? इतने कार्य करते हैं कि अगर गिनती करें तो 3-4 वीडियो लेक्चर्स बन जाएंगे। नटसेल में कहें तो लीवर 300 से अधिक कार्यों का संपादन करते हैं। भोजन को पचाते हैं, ये तो एक काम है, 300 से अधिक कार्यों का संपादन ये लीवर करते हैं। हम जोंडिस की बात करते हैं, तो जैसे ही ये लक्षण आते हैं तो
ये लक्षण जब आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मॉम आपकी डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं, आपके पेरेंट्स डॉक्टर के पास, और ले जाना भी चाहिए क्योंकि ये बीमारी अगर होती हो तो अच्छी बात नहीं है, इससे घातक परिणाम भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर्स के पास ले आते हैं तो डॉक्टर्स क्या करता है, यूरिन, ब्लड, ब्लड में क्या, सीरम बिलुरुबिन, ध्यान दीजिएगा, सीरम बिलुरुबिन, यूरिन का टेस्ट और सीबीसी, ये सीबीसी क्या होता है, तो टोटल ब्लड, कंप्लीट ब्लड काउंट है, ये कंप्लीट ब्लड काउंट है, यानी रक्त के जितने भी अवयव है, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, न्यूरोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनफिल है, इओसिन है, ये सभी जो है, ये सभी की मात्रा, लेकिन जो मुख्य रूप से है ये सीरम बिलिरुबिन की मात्रा से पता चलता है कि जोंडिस है या नहीं है। जरा हम यहां बात करें जोंडिस, ये सीरम बिलिरुबिन की मात्रा जब ब्लड में क्या होता है, ब्लड में 0.1 से 1.2 mg पर डीएल, ब्लड में सीरम बिलिरुबिन की मात्रा 0.1 to 1.2 mg पर डीएल से अधिक हो जाती है, यानी 1.2 की जगह 1.8, 2.5, 3.5 mg/dL अगर रिपोर्ट आता है, इसका मतलब कि उसे जोंडिस है। यहाँ एक चीज मैं कहना चाहूंगा, mg/dL क्या है, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। एक चीज और जानना है कि 0.1 से 1.2 mg/dL अगर है तो वह सामान्य है, वह स्वस्थ व्यक्ति में सीरम बिलिरुबिन की मात्रा है, और इससे जब अधिक, तो अगर किसी का टेस्ट आपके घर में आता है और इस नॉर्मल रेंज से अधिक होता है तो आप भी कह सकते हैं कि जोंडिस के लक्षण है ना, मजा, आप डॉक्टर बन गए ना। तो यहां आपको इससे अधिक होता है, हम थोड़ा डायलिसिस सिस्टम को रुक करते हैं कि क्यों सीरम बिलिरुबिन बढ़ता कैसे है। तो जरा लीवर के फंक्शन को हम देखें कि लीवर में गॉल ब्लैडर होते हैं और लीवर में बहुत से सेल्स हो, तो लीवर में ही बिलिरुबिन नामक पीला पिगमेंट, येलो पिगमेंट्स का निर्माण होता है और वह गॉल ब्लैडर के बाइल जूस में पाया जाता है। किसे पाया जाता है, बाइल जूस में, पीत रस में, पीत में, लीवर, यकृत के अंदर गॉल ब्लैडर पित्ताशय पाया जाता है और उस पित्ताशय में पीत रस, बाइल जूस पाया जाता है और उस बाइल जूस में सीरम बिलिरुबिन पाए जाते हैं। ये आपको पता है कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं उसे, इसका जीवन काल 90 days to 120 days का होता है, यानी आज भी जो रक्त हमारे शरीर में बना आरबीसी, वो 3 महीने से लेकर 4 महीने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए ब्लड डोनेट करने में चिंता नहीं करना है, पर डे ब्लड बन रहा है और पर डे ब्लड मर भी, डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं। तो लीवर जो आरबीसी जो 90 या 120 दिन से अधिक हो जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसी लीवर में यूरिन भी बनता है।
इसी यह लीवर फूड स्टोरेज का मेन संसाधन है। तो लीवर जब ब्लड आरबीसी को तोड़ता है तो वैसी स्थिति में ऐसा होता है कभी कभी कि सीरम बिलिरुबिन की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है, और ये चूंकि येलो पिगमेंट है, पीला पिगमेंट है, कण है, और जैसे ये बढ़ता है तो हमारे त्वचा का रंग पीला, आंख का रंग पीला, आंख का रंग सफेद, खुजली होना, पेट में दर्द होना, बुखार लगना, टॉयलेट जो है मल भी पीला होना, मल साफ नहीं होना, ये सब लक्षण आते हैं। और ये जब लक्षण आते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको ये जॉन्डिस हो गया है, और ऐसी स्थिति में डॉक्टर सीरम बिलिरुबिन CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, हेपेटाइटिस ABC और यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट अवश्य लिखते हैं। अगर आप तो जान गए कि चूंकि ये डाइजेशन हमारे खान पान से जुड़ा डिजीज है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको अगर इस ये लक्षण दिखते हैं तो आपको आराम करना है, बेड रेस्ट, उसके बाद ताकि आपके लीवर को आराम मिले। आपको फैटी चीज, तैलीय पदार्थ या वसा युक्त आहार नहीं लेने हैं, तेल वाला सामान, आपको मसालेदार चीजों को नहीं लेना है, एक बार अधिक ठास भोजन नहीं करना है, मांसाहार, मछली, अंडा, मीट से, चिकन से बचना है, हो सके तो गन्ने का रस लेना है, फल और सब्जियां लेना है, मूली और पपीता लेना है, विटामिन्स लेना है, 8 से 10 गिलास पानी पीना है, वही पानी शुद्ध हो। तो इस तरह से अगर कैसे हम बचेंगे, तो हम अपने अनियमित लाइफ स्टाइल्स को, हम तैलीय चीज कम खा करके, हम फास्ट फूड को कम खा करके, हम अधिक से अधिक पानी पी करके, ये हम चाहेंगे तो इससे बच सकते हैं। इसके बाद हम अब अगली ओर रुख करेंगे। आप बोर तो नहीं हो रहे हो, मजा आ रहा है ना? और ये जो वीडियोज है ये आपके सिर्फ एक क्लास के लिए नहीं, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th, 12th हो, ये पूरे जीवन में काम आएगा, क्योंकि आपके लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ है, आपके जीवन कौशल से जुड़ा हुआ है, आपके खाने पीने तौर तरीके से जुड़ा हुआ है, और यह अगर आप जानते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही फायदा होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अब हम लोग आगे क्यों रुक करेंगे, डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगली कड़ी क्यों में, और कौन सा डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम है, तो अगला प्रॉब्लम है पेप्टिक अल्सर। पेट में घाव। मैं श्योर कहना चाहता हूं कि इससे आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई बच्चे ज्यादा फास्टिंग करते हैं, ज्यादा उपवास करते हैं लगातार, तो उनके लिए ये आप छोड़ दीजिए, प्रायः घर में जो आपकी मम्मी होती है वो संभवतः वही ज्यादा फास्टिंग करती है, और उनके लिए यह बीमारी परेशान कर सकती। जरा यहाँ देखे कि ये हमारा स्टमक है, यही ये ग्राइंडिंग मशीन है, यही भोजन की पिसाई होती है, और इसपे एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, और गैस्ट्रिक ग्लैंड को जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। और इस ग्रंथि से जूस का सीक्रेशन होता है, इसका नाम है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। और इससे तीन प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूसिन। और मैंने पहले के लेक्चर्स में ही बताया था कि डाइजेस्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है वह 24 घंटे में, एक दिन में लगभग 3 लीटर इस स्टमक से जूस निकलता है।
गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इसमें जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है और एसिड्स का नेचर होता है खट्टा। तो जब हम भोजन करते हैं तो ये एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स फूड्स में आए पैथोजेंस के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है और साथ ही भोजन को एसिडिक नेचर में बदलता है, अम्लीय। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका स्टोमैक खाली होता है, आपका स्टोमैक खाली होता है, भूखे पेट होते हैं, सहे होते हैं, तो ये HCl इसकी दीवार को इसके लेयर्स को जला देता है और यहाँ उम्स अल्सर घाव हो जाता है। कब, फास्टिंग, जो ज्यादा फास्टिंग करते हैं, खाली स्टोमैक में क्या करता है HCl इसके दीवार को, म्यूसिन्स लेयर को डैमेज कर देता है और ऐसी स्थिति में घाव होता है और दर्द होता है और खास करके महिलाओं में ऐसा ज्यादा देखने को मिला है क्योंकि ज्यादा फास्टिंग, वो एक बार दो बार तक काम करने के बाद वो कुछ खाती है, ऐसी स्थिति में उन्हें पेप्टिक असर की संभावना अधिक होती है। तो इसको अगर हम फास्टिंग नहीं रखे, हम एक हर समय पर कुछ ना कुछ अगर लेते रहे तो हम पेप्टिक असर से बच सकते हैं। बस थोड़ी सी सावधानी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, तो सावधानी बहुत जरूरी है। इसके बाद अगले हम डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में चले तो वोमिटिंग भी इसी से जुड़ा हुआ है। वोमिटिंग जो है, वोमिटिंग, मितलिंग, वमन, और अगर डाइजेस्टिव स्टोमैक में अगर एसिड्स के फॉर्मेशन ज्यादा हो गए हैं, एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो जलन होगा और एक एंटी प्रेशर बढ़ेगा, तो वैसी स्थिति में हमें वोमिटिंग टेंडेंसी भी होगा। ये तैलीय आहार आपने अधिक खाया है तो कहीं ना कहीं ये इसमें ग्राइंडिंग मशीन और डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है तो एंटी फोर्स लगने लगता है और एंटी फोर्स सब नीचे से जो गैसेस प्रेशर का ऊपर जाता है तो वो एक वोमिटिंग टेंडेंसी में होता है। इसी तरह से अगले जो डिसऑर्डर्स है, डायरिया, बच्चों अतिसार जो है डायरिया, जरा इसके स्पेलिंग को आप देख लेंगे और अधिकांश कंप्लीशन में डायरिया का स्पेलिंग जरूर रहता है, DIARRHOEA, डायरिया। डायरिया जो है ये क्योंकि जब हमारा भोजन पचने के बाद या स्मॉल इंटेस्टाइन तक भोजन का डाइजेशन हो जाता है, पच जाता है और जो कार्बोहाइड्रेट थे वो ग्लूकोज में आ गए, प्रोटीन्स हुए, एमिनो एसिड्स में आ गए और फैट्स जो वसा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स में आ गए, तो यहाँ जब लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम, कोलन और रेक्टम है जब जाता है भोजन तो वहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, यानी इस जो सत्तू के समान भोजन होता है, सत्तू घोला हुआ पीते हैं ना, घोला हुआ सत्तू जो काइल स्टेज में कहते हैं, चाइल ही बोल सकते हैं, काइल बोल सकते हैं, उस स्टेज में यहाँ पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और इसमें पानी की मात्रा अधिक रह जाती है, तो वैसी स्थिति में मल के रूप में, पानी के रूप में जो है लूज मोशन होने लगते हैं, वोमिटिंग टेंडेंसी होने लगता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है, तो ये डायरिया भी जो है हमारा डाइजेशन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है और वैसी स्थिति में हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो हमें इसके लिए भी खान पान और पानी की जो 8 से 10 ग्लास पानी जो कहें उन्हें सी पूछ ले। इसके अलावा गैस्ट्रिक की बात करते हैं क्योंकि नाम ही आपने देखा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक की बीमारी, गैस्ट्रिक हो गया है, गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई, तो कहने का मतलब यह है कहीं ना कहीं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपके आहार में, आपके लाइफ स्टाइल्स में ऐसे हो गए हैं, आपने खान पान के जो मानक है उससे हट करके आप खान पान शुरू कर दिया है तो पाचन की क्रिया अस्त व्यस्त हो गई है और वहां से जो है HCl का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगा है, एसिडिक नेचर यहाँ बन रहा है और वो एक खट्टे डकार के रूप में गैस के रूप में बन रहा है, तो कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक भी जो है डाइजेशन से, आपने सुना होगा पीत की पथरी, तो वैसी स्थिति में भी यह डाइजेशन से जुड़ा हुआ है, यहाँ जो है गॉल ब्लैडर में जो हार्डनेस आ जाता है और आप सुनते हो कि वह पथरी होता है, फिर ऐसी स्थिति होता है कि ऑपरेशन करके उसको हटाना पड़ता है, तो ये है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज और है, जो आप यहाँ एक पान की पत्ती के जस्ट बिलो द स्टमक, भीतरी पेट कहते हैं आमाशय है, उसके नीचे पान की पत्ती की तरह जो एक पैंक्रियाज होता है, क्या होता है, पैंक्रियाज, जिसको बोलते हैं
अग्न्याशय बोलते हैं, और इसको जो है ना इक्सोक्राइन ग्लैंड करते हैं ना इसको इंडोक्राइन ग्लैंड करते हैं। इसको कहा जाता है क्या, ये दोनों ग्लैंड है, ये इंसुलिन भी, ये हार्मोन्स ही बनाते हैं और एंजाइम्स ही बनाते हैं। तो इसके लिए जो टर्म है वो क्या है, क्या है, तो क्या है, क्योंकि ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे कहा गया है हेटरोक्राइन ग्लैंड। क्या कहा गया है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये ट्रिप्सिन, पेप्सिन का फॉर्मेशन तो करता है, सिक्रेट तो करता है डाइजेशन के लिए, लेकिन इसके अंदर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगर हैंस, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और इससे दो तरह का हार्मोन निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकागन। इंसुलिन अल्फा और बीटा सेल से इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन्स निकलते हैं। ये इंसुलिन का नाम आप लोग सुनते होंगे कि इंसुलिन लेना पड़ता है डायबिटीज पेशेंट को, क्या ये इंसुलिन जब हम खाते हैं उस समय जो अत्यधिक मात्रा में जो एक्सेस जो अमाउंट्स हमारे शुगर्स के होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो पचता है, चाहे आप चावल खाएं, आप आलू खाएं, या मीठा सामान जो पचता है तो ग्लूकोज बनता है, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है, इस ग्लूकोज को ये इंसुलिन जो है हार्मोन किसे बदलता है, ग्लाइकोजेन में बदल जाता है, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा लिमिट रहती है, हम स्वस्थ हैं, ठीक है। लेकिन जब ये इंसुलिन किन्हीं कारणों से निकलना बंद हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि ग्लूकोज कन्वर्टर नहीं है, इंसुलिन जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा था तो इंसुलिन नहीं निकल रहा है या कम मात्रा में निकल रहा है, रक्त में ब्लड में ग्लूकोज जिसको शुगर कह सकते हैं की मात्रा बढ़ जाती है, और इसे हम कौन सा रोग कहते हैं, डायबिटीज कह देते हैं। क्या कहते हैं, डायबिटीज मेलियर, डायबिटीज मधुमेह या चीनी की बीमारी कहते हैं। और जब ग्लूकागन क्या करता है, जब हम नहीं खाते हैं, फास्टिंग स्टेज में होते हैं, तो उस समय मुझे एनर्जी कहाँ से आता है, ग्लूकोज कहाँ से मिलता है शरीर में, तो जो स्टोर्ड ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में है, इस ग्लाइकोजेन के रूप में फिर जो है ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन करते हैं, ग्लूकागन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे खान पान से, लेकिन क्योंकि डायबिटीज डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के साथ साथ और भी इसके बहुत से कारण है, वो तनाव है, ये हमारा लाइफ स्टाइल है, सही खान पान नहीं होना, ये और भी इसके कारण हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि ये जो पाचन तंत्र है हमारा, हमारा जो पाचन क्रिया है ये कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम यह हमारी यह क्रिया अगर ठीक रहे, अगर यह हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, हम अपने खान पान को ठीक रहें, हमें जीवन जीने की कला प्राप्त हो, तो कभी भी हमें सीने में जलन, अपच, पीलिया, पेप्टिक अल्सर, वोमिटिंग, डायरिया, बवासीर, गैस्ट्रिक, पथरी ये नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको जरूर कहता हूं कि आप स्वस्थ रहें, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो ही आपके मस्तिष्क में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा, आपके शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होगा, आपकी सोच सकारात्मक होगी, और आप मानसिक बीमारी से दूर रहेंगे, और जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ है वही सुखी है। फ्रेंड्स, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो कुछ भी हमने देखा इसके लक्षण के आधार पर आप बहुत से डिटेक्ट कर पाएंगे। कल मैंने चर्चा भी किया था कि जो शिक्षक होते हैं वो आपके लिए गाइड होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग दिखाने वाले होते हैं, फैसिलिटेटर्स होते हैं,
वो आपके एक सोशल लीडर्स होते हैं, वो आपके पेरेंट्स समान होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन वो आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन रास्ता दिखना आप ही को है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपके जो रियल फ्रेंड है, पता है आपको नहीं पता है, आपके रियल फ्रेंड बुक्स हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है, जो किताबें हैं, वो आपके वास्तविक मित्र हैं। वह हमेशा आपको सही राह ही दिखाता है। अगर आप स्वाध्याय करते हैं, अपने बुक्स को, अपनी किताबों को अगर आप मित्र बनाते हैं, तो आप हमेशा सही राह में, राइट डायरेक्शंस की ओर बढ़ेंगे। तो मेरा सुझाव है कि आप पुस्तक को भी, आप पुस्तक से दोस्ती करें, किताब को भी देखें। जब लेक्चर्स को देखते हैं, आप भरत सर के इस बायोलॉजी लेक्चर्स को जब देखते हैं, तो उसके बाद आप पुस्तक को भी देखें। वो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी बातें जो आपको कठिनाई, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, तो फिर आपके लिए हम है ना, भरत सर आपके लिए हैं। और भरत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल जो आपके लिए है, और आप अपने अपने कमेंट्स, आपके प्रश्न आप डाल सकते हैं, और मैं हमेशा आपके प्रश्न, आपके उलझनों, आपकी समस्याओं पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। तो दूसरी चीज ये है कि आप कभी भी फ्रेंड्स जो लक्षण दिखाए हैं या कुछ जो उपाय बताए हैं, इस पे डॉक्टर बनने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, आप कोशिश करेंगे कि आप इसे अपने लाइफ स्टाइल्स में, जीवन में आप इसको लाएं, और अगर इस तरह की परिस्थितियां हो तो आप डॉक्टर्स के पास जो स्पेशलाइज्ड हैं इसके लिए, जो इसी के लिए बने हैं, आप उनसे सलाह लेंगे। ये नहीं कि अपने आप उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, इसका आप ख्याल लेंगे। और मैं फिर आपसे कहूँगा कि बड़ा चंचल होता है ये मन, बड़ा चंचल होता है ये मन, स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ा धन, स्वास्थ्य ही है सबसे बड़ा धन। फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ स्वाध्याय करेंगे, आप समझ विकसित करेंगे, फिर मैं कहता हूँ, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे तो जब आप निकालेंगे अपने दिमाग से वो बात निकलेगी, आप उसका अनुप्रयोग करेंगे। और अगर ये इसमें जो समस्या आएगी, आप कमेंट्स करेंगे, और हमारे इस भरत सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि आपको समय समय पर हमारे न्यू वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।